बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और रिच क्रीमी मैंगो ट्राइफल डिलाइट, जो कि बहुत इजी और सिंपल है इसे बनाना। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो ट्राइफल डिलाइट बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है टी बिस्किट्स। हमें चाहिए 20 to 30 बिस्किट्स, आप कोई भी ले लें। हम इसको मोटा मोटा क्रश कर लेंगे इस तरह के से, और अब हम इसको एक लेयर लगा देंगे, इसकी एक लेयर लगा देंगे। सारे बिस्किट्स हमें इसमें नहीं डालने हैं, क्रश बिस्किट्स थोड़े से बचा लेना है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर लेंगे एक पैन, उसमें डाल देंगे 1 से 2 टेबलस्पून पानी। पानी हमें हेल्प करता है दूध को बॉटम पे नहीं चिपकने के लिए। अब इसमें डाल देंगे फुल फैट दूध 1 लीटर यानी 4 कप। फ्लेम को हाई करके इसको बॉयल आने के लिए वेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट दूध डाल दिया है, अब हम इसका वेट कर लेते हैं बॉयल आने के लिए। तो इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 6 टेबलस्पून शुगर यानी 1/4 कप, मिला लेंगे अच्छे से, और शुगर को भी डिज़ोल्व होने तक वेट कर लेते हैं। तो डिज़ोल्व हो चुकी है। यहाँ पर हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है इस स्पून से 6 टेबलस्पून, उसको 1/2 कप दूध से, चिल दूध से मिला लेंगे अच्छी तरीके से, डिज़ोल्व कर लेंगे कस्टर्ड पाउडर दूध में, और उसको मिक्स करके इस दूध में डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके सारा डाल देंगे, और इसको भी अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। यहाँ पर मैं वेनिला कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास मैंगो कस्टर्ड का फ्लेवर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर लें। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, लगातार मिक्स करते हुए। ये देखिए कस्टर्ड भी हमारा अच्छे से पक चुका है और ये थिक कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए कितना थिक बन चुका है, अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने थिक क्रीम लिया है 125 ml के, इस तरीके के 2 टेट्रा पैक्स इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये ठंडी है, और इसको हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। यहाँ पर मैं थिक क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से व्हिप कर लिया है और ये साइज़ में इससे डबल हो चुकी है इसकी क्वांटिटी। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं। तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर बिस्किट की एक लेयरिंग लगा दिया है। नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड लेयर लगा देंगे इस तरीके से। पाइपिंग बैग से लगाना ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्पून का भी इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट अब हम इसमें चॉप्ड मैंगोज़ डाल रही हूँ मैं कट करके। मैंने यहाँ पर 2 चॉप्ड मैंगोज़ इस्तेमाल किया है, थोड़े से इसके ऊपर डाल देंगे। और नेक्स्ट अब हम कस्टर्ड की एक दूसरी लेयर लगा देंगे, इवनली सब तरफ से स्प्रेड कर लेंगे। और नेक्स्ट अब हम इसमें हमारे बचे हुए बिस्किट्स डाल देंगे, क्रश बिस्किट्स। तो इवनली सब तरफ हमने इसको लगा दिया है, और अब हम कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे इस तरह से, इवनली सब तरफ स्प्रेड कर देंगे इसको भी। तो ये देखिए, और नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर क्रीम डाल देंगे, थिक क्रीम जो हमने पीट करके रखी थी, वो एक
पाइपिंग बैग में डालकर इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप सिंपली स्पून से भी स्प्रेड कर लें, ये ऑप्शनल है। और मैंने इसको थोड़े से पिस्ताशियोस और चेरी और थोड़े से मैंगोस के साथ स्लाइस कट करके इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। तो हमारा यहाँ पर हमारा मैंगो ट्राइफल डिलाइट बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको फ्रिज में 3 से 4 घंटों के लिए रख दें, फिर उसके बाद सर्व कर लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बेहद पसंद आएगा। और अगर आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।